मैंने अपने जूते ऐसे उतारे, मामा की चीख आई, अलमारी में रखो जूते. घर में आप, घर में आप वही होते हो. भड़ास इज माई ट्रेनिंग ग्राउंड. Hey guys, assalamualaikum. This is Rabia Mughni. You're watching me on Fuchsia Magazine. इंटरव्यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नए टैलेंट को इंटरव्यू करती हूँ जो हमारी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह चेंज भी लेकर आएंगे, क्वालिटी काम भी करेंगे. उन्हीं में से एक चेहरा है जो मैंने दिलरुबा में देखा था पहली बार. एंड व्हेन आई सॉ हर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई थॉट कि वाओ, शी इज़ वेरी प्रिटी बट शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. शी वॉज हानियाज सिस्टर, और हानिया एक मंचीवी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं. उनके साथ काम करके अपने आप को मनवाना, अपनी प्रेजेंस करवाना, आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग. सो आज मेरे साथ हैं दुरे फिशा. अस्सलाम वालेकुम दुरे फिशा. अस्सलाम वालेकुम. मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है ना? दुरे फिशा. दुरे फिशा, व्हाट डज इट मीन? दुरे मीन्स पर्ल्स एंड फिशा मीन्स इरप्शन. बेसिकली इरप्शन ऑफ पर्ल्स. सो कोई निकनेम है? दुरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या नोबडी कॉल्स मी दुरे फिशा एक्सेप्ट मामा एंड बाबा. लाइक दुरे, दुरिया, दुरी, फिशा, नेम इट. फिशी विशी तो नहीं कोई कहता? या या स्कूल में तंग करते थे? इन स्कूल आई यूज्ड टू बी कॉल्ड एज फिशी. अच्छा. बट माय मदर ऑलवेज हेटेड एवरीबडी अराउंड मी कॉलिंग मी दुरे. क्या इतना अच्छा नाम है, दुरे फिशा के हैं. माशाल्लाह. सो पहले मुझे पसंद नहीं होता था नाम अपना, बट लेटर ऑन लाइक growing up I was like, oh, it's a unique name, I like it. So you went abroad to study, right? I went for an year, then I came back. To wahan pe log kaise pronounce karte the? Wahan kya kehte the? Dubai kya kehte the? Nahi, people called me dure. Acha. Yeah, yeah. Pronunciation is not an issue around the world, I think. Okay. Yeah, our names are very much common there. Acha. Kya chal raha hai bhai Karachi, kaisa lag raha hai? Home, do you feel like home in Karachi? Abhi tak Lahore mein hai. Nahi, Karachi has always been home, like it always felt home because work is here, yeah, and everything. But yeah, Lahore will always be. What do you miss most about Lahore? My mama. I think there's nothing more I miss than her. अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं आप बता रही थी मुझे? हम चार बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ. तो बाकी क्या हैं, कौन कौन है? बाकी मेरा एक भाई है, दो भाई हैं और एक बहन है. अच्छा. और एक भाई मुझसे एक डेढ़ साल छोटा है, वो टर्की में पढ़ता है अभी फिलहाल. ही इज देयर. और मेरी एक बहन है, शी इज इन एलेवंथ. मेरा छोटा भाई है. और अम्मी, अब अम्मी घर पे होती हैं? अम्मी घर पे होती हैं. अम्मी यूज्ड टू वर्क पहले, बट नाउ शी इज एट होम सिंस 8-9 इयर्स, एंड आई थिंक वो ही बहुत बड़ा काम है. दैट्स ट्रू. आर यू क्लोज? इट लुक्स लाइक कि आप अपनी अम्मी से बहुत करीब हैं. मैं अम्मी अबू दोनों से बहुत करीब हूँ, बट अम्मी स्पेशली, लाइक माई डेट डजंट गोज विदाउट टॉकिंग टू हर, उनसे बात किए बगैर. तो वो तो बहुत मिस कर रही होंगी ना? वो तो बहुत करती हैं. वो तो मुझे कहती हैं, आ जाओ वापस. कहती हैं, आप एक प्रोजेक्ट करो. तो शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, लाइक वेन एवर आई गेट अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मुझे सबसे पहले पूछती हैं, लाहौर में तो नहीं है? एज लाइक, नहीं मामा, काम ही कराची में. तो आई थिंक उनको वो होता है दैट. कहाँ से आपने क्या क्या किया हुआ है? मैंने आपके फैंस को जानना है, तो मैं सारी ना वो बायोडाटा पहले करके फिर हम ज़्यादा सीरियस वाले क्वेश्चंस पाएंगे. आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन. इट्स एन इंटरनेशनल degree from UCL. Okay. And वैसे I've done my O and A levels from LGS. Okay. In Lahore. That's about it. मैंने पढ़ा था, आपने practice भी किया हुआ है ना? मैंने असल में I graduated last year. Okay. तो मैंने जो भी practice की है वो practice तो नहीं उससे कहते हैं, because until unless you don't have, you have a license, you can't practice. But I have interned a lot. So I've interned with Asma Jahangir. Wow. Yeah, yeah, yeah. That must have been exciting. That was very exciting. So when she was alive, I was in like my first year, second year of LLB. So I interned with her. I've interned at AG office and many other like. So internships मैंने बहुत की हैं throughout the time. So क्या किस type का law पढ़ा हुआ है आपने? जो LLB होता है वो बहुत बेसिक होता है, मतलब वो उसमें आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और वो हर किस्म के होते हैं. But you have a choice. So I took intellectual property law and evidence law, like I wanted to do something intellectual like that. property law. Yeah, yeah. IP laws. मुझे कुदरत वैसे ही आपको ना इस साइड पे लाने की कोशिश करी थी. नहीं नहीं, इस साइड पे intellectual property से related नहीं था. IP laws are very media related and it's like everything. लेकिन I always wanted to be an actor, so there was no plan B. तो फिर law पे क्यों चली? Law was never a plan B. Law was a degree that I wanted to do because my mother and father were like, you can't go until unless you have a degree. I don't know, this is like Pakistani parents logic. Achha. Which I totally disagree to. I feel you should be well educated and well read, and degrees have nothing to do with that. But unko yahi tha ke, you know, you should have another career choice. Because aaj bhi Pakistan mein ye samjha jata hai ke if you are an actor, it's not your
permanent career or something like that. So media sciences या कुछ पढ़ने का नहीं सोचा, direction कुछ नहीं law. No, I wanted to study law of all the things. I don't know. Law has always excited me. काफी tough होता है ना? I know it was very tough. But law has always excited me. Okay. So I was like, अच्छा actor तो मैंने बनना ही है. अच्छा. वो तो because this is what is my calling since बचपन. But I will do law and I will study that. तो मुझे ये बताएं बचपन में क्या वो होता था कि शीशे के सामने खड़े होके माधुरी दीक्षित के स्टाइल में अदाएं हो रही हैं या दुपट्टा घूम रहे हैं या कुछ डांस प्रैक्टिस या डायलॉग बोले जा रहे हैं, कुछ ऐसा होता था या नहीं? आई वाज तो एक तो ये कमरा बंद करके होता था. नो आई वाज द मोस्ट ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन इन द फैमिली. हाँ, बिकॉज आई यूज टू बी लाइक आई एम माधुरी. आई एम ओके. सो यू नो आई यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट, आई यूज टू डांस लाइक दैट. बचपन से तो वो शीशे के सामने तो वो वेरी लोकी चीज होती है ना. मैं तो ड्राइंग रूम में खड़े होके सेंटर टेबल पे दिस वाज मी घाघरा घुमा दो बचपन. एंड देन आई रिमेंबर मी बीइंग वेरी ओवरवेट फॉर माय टाइम स्पेंड व्हेन आई वाज स्टडिंग. एंड तब माय पेरेंट्स थॉट दैट यू नो द थिंग इज गॉन बिकॉज आई वाज अ वेरी स्टूडियस किड टू. सो बट यू नो तब भी आई वाज ऑन बिकॉज द अदर डे माय फ्रेंड वाज सेंडिंग मी दिस वीडियो ऑफ हर शादी 3 years बैक. And I was like super overweight and I was dancing, I was seeing my expressions and I was like, dude, I'm really proud of me. Matlab itna confidence with that weight, like dancing with all those steps and like thumkas. And I was like, so I was always like, I knew where I wanted to go. Okay. Aur ammi abbu kuch nahi kahe, maa ba sahi the, sab kuch kuch nahi hone. My parents didn't say me anything. We just had a... We have these table discussions in our house, we call them. So we just had 5 to 6 of them. Okay. So because initially to they thought na kyunki mera acha degree mein 2-1 aa gayi thi aur badi achhi degree hoti aur I was a very studious kid and everything. So they thought that I might just go in that profession and everything. So also I was very overweight. So my mother and father was like, she just wants to do it because a 21-year kid telling you they want to act and you know do this. They're like, "Acha, acha, baad mein karenge baad." But you know, one day when I came back from my graduation last year from London, so I just told my parents ki bhai mujhe jana hai Karachi ab. To unhone kaha nahi, yahan pehle you know hum aapko milate hain ek do logon se. I was like, "Nahi, I want to go myself. Seriously, I will audition myself and I will see whether I have the potential because maine theater wagera school mein to kiya tha but." In front of the camera, it's a different game, I think. So, फिर I flew here. अच्छा, तो अम्मा बने बिल्कुल नहीं रोका, उन्होंने कहा जाओ? नहीं, वो एक तो हफ्ते का होता था कि you know conversation, वही table conversation. मम्मी ने ये नहीं बोला मैं साथ चलती हूँ थोड़ी देर? नहीं. वो तो शुरू से it was very clear, they know that you know how I am and everything. But yeah, so I came here, I auditioned every production house. अच्छा, yes. तो कैसे इन टच कैसे हुई, कैसे किया? बस कॉल करके पहुंच जाती थी? इतनी अच्छी दुनिया में रहते हैं जहाँ वी हैव गूगल. ओके. और गूगल से आपको प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेसेस समझ आ जाते हैं. नहीं, वो तो है, लेकिन वहाँ पहुंच के मतलब वो ऐसी तो हर किसी को नहीं अंदर कर लेते हो. लेकिन आई टेल यू वन थिंग, हियर थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. आई वाज टेकन अबैक टू. यहाँ इफ यू आर एन एक्टर एंड इफ यू वांट टू गो एंड ड्रॉ फॉर ऑडिशन, यू जस्ट call them and they place an audition for you. Oh wow. Like in every production house this is what happens. Achha, to obviously I did have a contact or something like that, I won't be lying. I did have a contact, they made a call or two, but most production houses I went by myself because I just had ek hafta, ek week stay here, so I want to give as many auditions as I can. Okay. So bas I just gave all those auditions ek hafte mein and then I flew back. Achha, to Lahore. Okay. Then I started getting a lot of calls. But बस मुझे वो थोड़ा स्पेसिफिक होना था बिकॉज मुझे सोप से स्टार्ट नहीं करना था एंड एवरीथिंग लाइक दैट. मुझे सोप्स बहुत ऑफर हुए थे बिकॉज स्टार्ट में हमेशा ही होता है. तो आई स्टिल रिमेंबर सेइंग महेश भाई के, महेश भाई गिव मी अ स्मॉल रोल बट गिव मी इट इन अ प्राइम टाइम ड्रामा. ही वाज लाइक, नो नो नो, आई डोंट वांट टू गिव यू अ स्मॉल रोल, आई वांट टू स्टार्ट यू एज अ लीड एंड एवरीथिंग लाइक दैट. आई वाज लाइक, नो, आई स्टिल डोंट बिलीव इन दिस लीड कल्चर. लाइक आई फील इट शुड बी योर कैरेक्टर जो यू नो शुड साउंड अबाउट राइट और यू शुड स्पीक वॉल्यूम्स. तो दिलरुबा में तो बहुत ही छोटा रोल था. या दिलरुबा में क्या, इट वाज नॉट इवन अ यू नो वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर. यू डिडंट इवन हैड अ स्टोरी. यू नो क्यों हां बोला उसके लिए? आई स्टिल रिमेंबर, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट, बट देयर वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट दैट came right
दिलरुबा के साथ ही आई वॉज ऑफर्ड सेकेंड लीड इन इट. ओके. या आई वॉज अबाउट टू डू दैट बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन अ वीक और सो. उसी हफ्ते में आई गॉट अ कॉल फॉर दिलरुबा. ओके. एंड आई वॉज सो इम्पेशेंट विच एवरीबडी वॉचिंग शुड नॉट बी वॉन्ट्स टू बी. आई लाइक चलो आई जस्ट स्टार्ट लेट जस्ट स्टार्ट यू नो. लेकिन जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आपको कॉल आती है तो वो जो आप स्क्रीन पे देखते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है कैरेक्टर. तो जो मुझे पता चला था द गर्ल हैड अ स्टोरी यू नो बट व्हेन इट केम ऑन बोर्ड और जब हमने शूट शुरू किया ऑब्वियसली देयर वाज नो स्टोरी. बट थ्रू आउट दैट 8 months दैट वी शॉट दिलरुबा नॉट फॉर अ सेकेंड वाज देयर एनी रिग्रेट्स कि ओ ये मैंने क्या कर लिया. बिकॉज मैं शूट कर रही थी उसके दौरान ही मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गए. बट फिर आई वॉज लाइक लेट जस्ट कम दिलरुबा कम ऑन एयर. तो फिर जब तक दिलरुबा नहीं गया था आपने कोई और चीज को हां नहीं बोला. आई डिड नॉट. भड़ास कैसे आया. भड़ास सो आई मेट सिकमा पीपल हमायूं भाई सनम एंड सनदीम व्हेन आई केम टू ऑडिशन एंड एवरीथिंग. और उन्होंने तभी देवर लाइक के हम आपको देंगे कुछ एंड एवरीथिंग. बट यू नो आई एम नॉट समबडी हु विल टेक्स्ट एंड बी लाइक दे दें प्लीज. सो भड़ास केम इन मार्च फर्स्ट वीक व्हेन वी वर इन लॉकडाउन. ओके. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज ईटिंग मटरों वाले चावल एंड देयर वाज सनदीम बेग कॉलिंग मी. लाइक सनदीम बेग सो यू नो ही इज बिग नेम एंड एवरीथिंग. सो ही कॉल मी और उन्होंने बताया ये एक प्रोजेक्ट एंड वी गोना टेक यू एज द मेन लीड एंड एवरीथिंग. बट हम 2 हफ्ते में स्टार्ट कर रहे हैं और लॉकडाउन था ये. हाँ. पीक लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं. गॉड. ओके. देयर वर नो फ्लाइट्स नथिंग. फिर सो आई केम बाय रोड फ्रॉम लाहौर टू कराची टू शूट भड़ास. दिस इज हाउ भड़ास हैपेंड. भड़ास हैपेंड आफ्टर दिलरुबा बट वी शॉट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. मेरे लिए ये था दिलरुबा के बाद और दौरान मुझे बहुत इदम जैसे रोल्स ऑफर हो रहे थे. ये बहुत मसला होता है ना एक रोल किया तो वैसे ही रोल ऑफर होना शुरू जाते हैं. बिकॉज़ पीपल रियली एक्सेप्टेड मी एज इदम सो दे स्टार्टेड ऑफरिंग मी अ लॉट ऑफ इदम. बट मुझे अपना हर प्रोजेक्ट पर डिफरेंट करना होता है. लाइक दिस इज माई सेकेंड प्रोजेक्ट और मैं कह रही हूँ बट दिस इज मी. आई कॉन्ट डू सेम रोल्स अगेन एंड अगेन. और मुझे सब कहते हैं बट दिस इज वट यू गोना डू. आई एम लाइक आई रादर डू वो एक प्रोजेक्ट अ ईयर और टू प्रोजेक्ट्स इन ईयर बट टू लेस यू नो. तो Zoya is poles apart from Idam. So इसीलिए for me to play Zoya was very different than playing Idam because Idam was not me. Yeah. Zoya is still a part of me, you know. Zoya both confident. Confident. Zoya is a very outgoing, us kind of ladki. Yeah. And I have learned a lot to Zoya. But Idam अलग ही एक लड़की थी. I still remember मेरा posture different था उस drama में क्योंकि Idam एक बहुत रिजर्वड और यू नो कंजर्वेटिव. बट दिलरुबा वॉज ऑल्सो ईजी बिकॉज आई हैड एन अमेजिंग डायरेक्टर को स्टार्स एंड डायरेक्टर एंड दे हेल्प मी अलॉट. मैं तो कुछ नहीं आता था ना. आई स्टिल रिमेंबर मैं तो मतलब कैमरे में देख लेती थी अक्सर और माई डायरेक्टर यूज बहुत डांट पड़ी हुई है मुझे उससे. अच्छा, बहुत ज़्यादा बिकॉज मैं बहुत मुझसे लाइंस भूल जाती थी. उर्दू मुझसे ठीक से नहीं बोली जाती थी. हालांकि क्यों नहीं बोली जाती थी हमारी जुबान है बट वो इतनी फ्लो में नहीं बोली जाती थी. कुछ ड्रामों में तो बहुत फ्लो में. बट आई हैड एन अमेजिंग सपोर्टिव कास्ट एंड डायरेक्टर. तो दिलरुबा वेंट इजी. आपके मरीना खान के साथ बहुत सीन थे यू नो. आपने देखा हुआ तन्हाइयां और धूप किनारे उनका. मरीना जी इज एंड विल बी माय फर्स्ट फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री एवर. Like Mareena ji and me are very close. Okay. I think one of the best things that happened with me in Dilruba was Mareena ji. मेरे और जो उनका बॉन्ड है ना आई थिंक वो स्क्रीन पे दिखा ही इसलिए था बिकॉज वो हमारा रियल लाइफ बन चुका हुआ था. okay. हमने बहुत टाइम साथ स्पेंड किया तो था. थोड़ा ओवरवेलमिंग था कि पहला प्रोजेक्ट है एंड बिग नेम्स लाइक हानिया एंड मरीना खान एंड यू नो बाकी भी कास्ट में जितने लोग थे वो भी सारे इतने जिब्रान इतने. तो वो कैसा फील होता है. एक रात पहले नींद आ रही थी क्या हो रहा था. अच्छा मेरे लिए आई स्टिल रिमेंबर माई बेस्ट फ्रेंड टेक्सटिंग मी गुड लक फॉर योर शॉट टुमारो बिकॉज यू नॉट गोना फील दिस एवर अगेन. बिकॉज दैट फीलिंग ऑफ बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग. ओके. यू नो और
एक रात पहले इट वॉज नॉर्मल ईजी बिकॉज फॉर मी गोइंग टू सेट वॉज नॉट अ न्यू थिंग बिकॉज आई वेंट बचपन में बी ऑल दोज थिंग. लेकिन व्हेन आई सॉ आई स्टिल रिमेंबर मरीना जी फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ वही तो मैं कह रही हूँ. मेरे दिमाग में वो बीट आ रही थी. आई स्टिल यूज टू टेल हर कि मरीना जी फॉर मी क्राइंग इन अ सीन विद यू इज नॉट डिफिकल्ट क्योंकि आई रिमेंबर यू एज. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था आपने जो कनेक्शन बनाया. हाँ कभी नहीं सोचा था मैं तो. दिस इज फॉर मी डूइंग अ सीन विद मरीना जी वॉज वेरी ईजी. सेम विद हानिया बिकॉज हानिया एंड मी आर रियली गुड फ्रेंड्स नाउ. ओके हाँ वो इतना शूट किया तो ऑफ कोर्स किया बट आल्सो शी इज एज वाइज भी आप लोग या वी वेंट अलोंग रियली वेल बट फॉर मी शूटिंग दिलरुबा वाज वेरी इजी आई फेल्ट बिकॉज इट वाज एवरीबॉडी ऑन सेट मेड मी फील होम. एवरीबॉडी. कोई वाकया है दिलरुबा में से कोई मजे का वाकया जो आप शेयर कर सकें या कुछ? आई थिंक वो एक सीन था. देयर मेनी वाकयास एवरी वाकया वाकयास मेनी वाकयास. दिस इज तो हानिया और मैं बहुत हंस मुख्य हैं बहुत ज़्यादा तो हम बहुत हंसते थे सीन्स के दौरान. जब हम दोनों के सीन्स होते थे तो हम दोनों को सीन्स करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि आप लोग हंसना नहीं बंद करते हो और हमारी बड़ी इनसाइड स्टोरीज होती थी तो हम आंखों में देख के एक दूसरे की बातें पहचान लेते थे. तो आई स्टिल रिमेम्बर एक मिर्चों वाला सीन था जिसमें वो मिर्चें आंखों में डाल देते हैं तो हमने गाड़ी में वो सीन शूट करना था. अच्छा मरीना जी मी एवरीबॉडी याद आ गया मुझे. We were in fits shooting that scene. और वो सीन क्योंकि क्या होता है जब गाड़ी के शूट्स होते हैं और शॉट लिया जाता है तो बस एक कैमरा लगा होता है गाड़ी में और कोई नहीं होता तो वो आपने खुद करना होता है. गाड़ी चल रही होती है तो मुझे आज भी याद है वो कोई 1.5 घंटे में सीन हुआ था. वो छोटा सा सीन था बट हम हंसना ही नहीं बंद हो रहा था. मतलब एक हंसता था दूसरा चुप हो जाता था. दिलरुबा में तो बहुत वाक्य हुए हैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई. एंड व्हाट अबाउट भड़ास? भड़ास भड़ास तो आई विल ऑलवेज आई से दिस टू नदीम बेग एंड सनम मेहदी हु इज इन सिक्स सिग्मा लाइक सनम भड़ास नर्चर्ड मी एज एन एक्टर. रियली हाउ? बिकॉज क्यों कह रही हैं आप ये कैसा? क्योंकि भड़ास इज जोया. ओके बिकॉज दिलरुबा में तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम था ना सीन्स भी कम थे. भड़ास में तो सिर्फ जोया है. वो जोया की कहानी है और जोया के फेजेज हैं यू नो. जब तो आपको हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का और ट्राई करने का मौका मिला? यस आई मुझे मैं उस ड्रामे में हंसी भी हूँ रोई भी हूँ स्ट्रांग भी हूँ चीखी भी हूँ. मैंने अपने वोकल्स एक्सपेरिमेंट किए हैं. मुझसे ज़्यादा चीखा नहीं जाता. भड़ास में मैं चीखी हूँ बहुत डायलॉग्स के दौरान तो मेरे वोकल्स बहुत यू नो इम्प्रूव हुए हैं उसमें. हर चीज़ इम्प्रूव हुई है बिकॉज भड़ास इन इट सेल्फ आई फील हैज नर्चर्ड मी एज एन एक्टर. यस्टरडे आई वाज टेलिंग दिस टू समबडी बिकॉज जब आप इतना ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया. ट्रेनिंग ग्राउंड भड़ास इज माय ट्रेनिंग ग्राउंड. और बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट शूटिंग विद सिक्स सिग्मा इज दैट दे आर वेरी इन्वॉल्वड इन योर ड्रामा. ओके नो तो बीट सनम बीट सनदीम दे आर टेलिंग यू बार बार इस करेक्टर को ऐसे करो. ओके अगर इवन वो प्रोजेक्ट का पूरा हिस्सा नहीं है तो वो फिर भी आपको बता दें वो है हिस्सा. वो द थिंग बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्शन हाउस इज कि वो है हिस्सा. वो फिर भी है हिस्सा बिकॉज constantly they're telling you what look Zoya should have, how Zoya should speak, how Zoya should not speak, you know. बहुत सी स्क्रिप्ट में ऐसी चीज़ें होती थी जैसे अभी सब एवरीबडी इज सेइंग एवरीबडी आई सी दिस कमेंट्स कि भाई Zoya क्यों कमाल को नहीं मोल रही और चुप क्यों क्यों चुप है इस वक्त. तो यू नो मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू से इट आउट कि वी आई हैड द सेम रिजर्वेशन शूटिंग दिस पार्ट ऑफ कमाल एंड Zoya थिंग. बट जब मैंने ये किया और जब यू नो आई कॉल्ड सनम एंड आई टॉक टू हर शी वाज लाइक Zoya इज अ पाकिस्तानी गर्ल एट द एंड ऑफ द डे. यू नो इट्स हर सेकंड मैरिज. पीपल ट्राई टू सेव सेकंड मैरिज. दे ट्राई दे पुट एन एफर्ट. सो Zoya इज जस्ट पुटिंग दैट एफर्ट यू नो बिकॉज शी इज लाइक अब इसके बाद मैं क्या करूँगी. सो दिस इज माई सजा इन इट सेल्फ. शी इज टेकिंग कमाल एज अ सजा. So I think this is why Zoya, playing Zoya for me was very challenging. मुझे लगता है कि आपकी family बहुत protected आपको रखा हुआ है ना. काफ़ी protective family से आती हैं. Yes, very protective. तो ये जो अब आप काम कर रही हैं स्टेज पे इतने नए लोगों से मिलती हैं हर रोज़ अब अकेली रह रही हैं how is the whole experience? थोड़ा मुश्किल हुआ था अपने इस shell से निकलना या इस protective environment से निकल के जाना? It's always difficult. चैलेंज था? मुश्किल तो हमेशा होता है और लेकिन मुझे उस तरफ ये भी लगता है कि हम लोग जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं ना हमारे लिए वो शेल कभी था ही नहीं बिकॉज फ्रॉम डे वन वी आर डूइंग इंटर्नशिप से हम कोई काम कर रहे होते हैं. तो मेरे लिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट.
डूइंग दिस टेकिंग आउट ऑफ माई शेल एंड एवरीथिंग. नहीं लेकिन सेट पे जाना और बिल्कुल नए लोगों के साथ काम करना, फिर भड़ास में तो कुछ इंटीमेट सीन्स भी हैं, बड़े रोमांटिक डायलॉग्स भी हैं, वो भी But वो करना वो ओके यू वर कंफर्टेबल डूइंग इट या उसमें थोड़ा आई स्टिल रिमेंबर थोड़ा मसला हो रहा था. आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट वीक. अब हम लीनियरली शूट नहीं करते ऑब्वियसली, तो जो फर्स्ट वीक ऑफ शूटिंग भड़ास था उसमें मेरे और उमर के सिर्फ सीन्स डायरेक्ट सीन्स थे. फर्स्ट डे आई एम मीटिंग दिस गाय एंड देयर इंटीमेट सीन्स एंड एवरीथिंग एंड बट माशाल्लाह ही इज समबडी हु इज वेरी हु कीप्स यू वेरी कंफर्टेबल ऑन सेट एंड इज नॉट समबडी हु विल गिव यू अ हार्ड टाइम. So I still remember he tells me now, he makes fun of me in front of everybody. I was shivering. Oh, I was shivering and I was so embarrassed because I have met boys before and I have shaken hands with them. But it was just the whole thing. It was ajeeb lag raha tha aur ho raha tha, but we went with it because when aap phir friends ho jate ho, you get along of course, yeah. and things are fine. But set pe alhamdulillah I have always been very lucky since this year that I have always met good people. I have been around good people, so be it production houses everything, like Six Sigma to me is family now. I say this to everybody because mujhe koi masla hota hai I tell Sanam and Sir Nadeem and everybody. So mujhe abhi tak wo feeling aayi nahi no jo log mujhe kehte hain zara bach ke ro ye wo, because I alhamdulillah I'm surrounded by really good people mashallah. So that's good and mere khayal mein badi encouragement hogi ye nayi ladkiyon ko jo is kisi bhi dar ya unki families ke liye jo kisi bhi dar ki wajah se apne bachchon ko ladkiyon ko rok rahi hain ki itni positive aapne baatein batayi hain, feedback diya. Mujhe to bahut impress ye baat lag rahi hai ki aap aayi, aapne auditions diye और यू नो दैट गिव्स होप कि ज़रूरी है कि पर्ची के साथ ही आए, क्योंकि बड़ी मिसकंसेप्शन है ना. सो ऑडिशन के वक्त सख्त क्या चीज़ लगी जब आप ऑडिशन दे रही थी, कुछ उस वक्त मुश्किल हुआ क्या, क्या ऑडिशन में किया आपने? अच्छा आपको लगता है आप बहुत अच्छा ऑडिशन देकर आए हैं अच्छा हाँ, पर जब आप वापस जाके वो देखते हैं आपने एक ही सिंक में डायलॉग बोला होता फिर आप सोचते मुझे कैसे मिल गया ये, फिर कैसे मिल गया आपको. फिर आई थिंक शुरू में बस इतना ज़रूरी होता है कि आप कैमरे को देख के बोल लें. आई थिंक वो जो ऑडिशन ले रहे होते हैं ना उनको भी पता होता है आपका पहला प्रोजेक्ट है या पहला होने वाला है, तो इफ़ यू कैन जस्ट फेस द कैमरा आई थिंक दैट्स ऑल दे नीड. सो बच्चन में किसकी सबसे ज़्यादा एक्टिंग की हुई है, कौन सी एक्ट्रेस, कौन सा एक्टर, कौन सा ड्रामा, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा? आई थिंक आई तो वॉज अ ह्यूज श्रीदेवी एंड करीना कपूर फैन ओके फ्रॉम डिफरेंट एराज बट आई वॉज इज देयर फैन. तो वो मेरे बहुत होता है फिर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लाइक व्हेन हम सफर केम एंड आई सॉ मायरा खान एंड आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज सो स्टारस्ट्रक बिकॉज आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ हर एंड यू नो हाउ शी इज एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक वो बहुत अमैलगमेशन हो गया है सब एक्ट्रेस का, तो वो मेरे अंदर आई थिंक आई रिफ्लेक्ट. I met her before Dilruba, like I was okay. that shooting at MD and everything. Okay. So I met her. अब कैसा लग रहा है? अब माशाल्लाह से फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, यू नो लोग पहचानते हैं, तो अब वो पहली बार क्या हुआ जब रियलाइज हुआ कि हाँ अब कुछ मेरा बनने वाला है, क्या रिएक्शन था? जैसे फॉर एग्जाम्पल भड़ास ऑफर हुआ तो जंपे लगा रही थी, चीख रही थी, फोन किया फ्रेंड्स को, क्या हाउ डू यू रिएक्ट? नो अब आई एम नॉट वेरी इमोशनली रिएक्टिव टुवर्ड्स सिचुएशन ओके तो आई टेक इट ईजी. बट मुझे आज भी याद है जब मुझे भड़ास ऑफर हुआ था तो मुझे इट डिडंट फील लाइक इट फेल्ट फॉर दिलरुबा. वो पहला प्रोजेक्ट था ना यू नो बिकॉज मुझे हो रहे थे उस टाइम पे दिलरुबा से, तो आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू समथिंग बट आई वाज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. ओके तो बट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई फेल्ट ओ Am I somebody now? Was 4-5 days ago at my friend's wedding. Achha. When I entered and people were coming in clusters and crowd and I was like, really? And you know, it took me apart and my friends were like, what are you doing? Yeah, side pe ho. Because doston ke liye to aap yahi ho. Wo to point. So I went to this friend's best friend's sister Mehndi and people were like, stage pe nahi ja rahe the. Mera wahan se nikalna अजीब हो गया. तो सेल्फीज ले रहे थे, हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने खींचे, तुम क्या कर रही हो यार हमारे साथ, चलो यहाँ से ये वो ना, रुको मुझे फैंस एंजॉय करने दो. बट यू नो दैट स्ट्रक मी आई थिंक आई हैड दैट मोमेंट एंड दैट वाज दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव रियलाइज्ड दैट ओके पीपल आर वाचिंग भड़ास एंड आई एम पीपल आर वाचिंग मी एंड दे आर अप्रिशिएटिंग मी. बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है आई हैव दिस फीलिंग एंड आई हैव आल्सो लाइक फेल्ट इट रियली रियली स्ट्रांगली इन द पास्ट फ्यू डेज. इट्स लाइक
TRPs या जो कमेंट्स आ रहे हैं वो सब मैटर नहीं करते. जो आवाम आपको प्यार देती है जब आप बाहर निकलते हैं, दैट इज़ द रियल ऑडियंस. द लव दैट दे गिव यू एंड दे फील यू आर दैट करेक्टर. लाइक यू नो पीपल टेलिंग मी तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है और ये सब, तो आई थिंक वो एक रियल डील ब्रेकर होता है. तो अभी तक क्या सबसे अच्छा या मज़े का कोई फ़ैन कॉमेंट या कोई मैसेज आया हो या कुछ हुआ हो? आई थिंक दिस वन ऑफ माई fans telling my trainer to send me a flower bouquet every day and he was like what he's after me and he's calling me and texting me and paise de raha tha ya nahi de raha and I was like you just earn money from them. I think that was good but cute. These people I at least whatever we call them fans or they're the people who make you they're so sweet ke I love food as you can see. तो मुझे ना आई वॉन्टेड टू हैव वेरी गुड साग इन कराची बिकॉज कराची आई कुडंट फाइंड. सो मैंने बस अपने इंस्टाग्राम पे लगाया और मुझे कोई 150 मैसेजेस आ गए कि हम आपके घर गांव से डिलीवर साग डिलीवर करते हैं. आई वाज लाइक डूड वाओ दिस शिट इज रियल. सो आई थिंक वो फैंस आर क्यूट लाइक दे मेक यू तो दे नीड टू बी क्यूट. नहीं नहीं अभी तो बिगनिंग है इंशाल्लाह. यू विल गो वेरी स्लो. और अम्मा पापा का क्या रिएक्शन होता है? आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए वही रहते हैं. घर की मुर्गी दाल बराबर ना. वो आपको एंड आई आपको चाहिए होता है वो. अभी मैं गई हूँ 6-7 दिन मतलब वो मैं ना बड़ी उस इवेंट से निकल के जब सेल्फीज वैसे घर आई, घर आके फिर मैंने अपने जूते ऐसे उतारे, मामा की चीख आई अलमारी में रखो जूते. घर में आप घर में आप वही होते हो. आई थिंक वैसे ही रहना चाहिए. आई थिंक ओके वी विल डू अ स्मॉल सेगमेंट विद यू. इट्स कॉल्ड इफ यू वेक अप एज. तो मैं आपको कुछ नाम दूंगी कि अगर आप सुबह उठें और आप वो हैं ओके तो आप क्या करेंगी बीइंग दैट पर्सन. ठीक है अगर आप सुबह उठें और आप देखेंगे आप तो हमायूं सईद हैं. आई थिंक आई विल डू अनदर ड्रामा बिकॉज़ आई थिंक माय ऑडियंस लव्स मी व्हेन दे सी मी इन अ ड्रामा. ओके या माधुरी दीक्षित. I wish. I'll just start doing more films and dances because I think nobody can dance better than me. That's nice. Okay, Mahira Khan. I would again do a drama because I think our audience lies in the drama. Yeah. Shri Devi. If I wake up as Shri Devi, I would. वो एक पूरा दिन मैं देखूँगी वो क्या खाती थीं, वो क्या करती थीं, for all that flawless things and whatever she was, mashallah. And Kareena Kapoor? If I wake up as Kareena Kapoor, I would ask her how she eats all these yummy food and still have that bombass figure. I think that is what I'll Okay. I'm going to give you some situations. आपने मुझे बताना है कि आप इस सिचुएशन में होंगी तो आप क्या करेंगी. ठीक है आप लिफ्ट में गई हैं और एक खातून अंदर एंटर होती है और साथ ही लिफ्ट का चला आपने भी गौर नहीं किया कि क्या हुआ है. लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया लेकिन दूसरे फ्लोर पे जाके लिफ्ट स्टक हो गई और देन यू रियलाइज कि ओह मैं तो मायरा खान के साथ खड़ी हूँ. फिर आप क्या करेंगी? आई विल ऑलवेज आई थिंक बी स्टार स्टक सीइंग हर. जो मर्जी हो जाए जैसे मुझे कहते हैं आप तो नहीं होगी ना. आई विल ऑलवेज मायरा बोले कि बस करो यार अभी पता नहीं कितनी देर लिफ्ट. आई विल कीप सीइंग हर. देयर वाज अ प्रोजेक्ट वेयर वी वर वर्किंग टुगेदर बट इट डिडंट वेंट आउट वेल. Working is a different space, but I think I always want to be a Mayra Khan fan. Okay. You know, people are like, oh, you can easily be friend zoned with her. Yeah. And I think I always want to be her fan. Wo bahut down to earth. I know she's very humbled and nice and everything, but I think she is that. Maldives mein hai, chill kar rahi hai. Phir dekhti hai, yaar saath wale thodi dur Sajal aur Ahad baithe hain. Kya karengi? I will give them privacy. Go away. Because I wouldn't like to be bothered in Maldives if I am there. So I will give them that privacy. Ek show ho raha hai, usme aap baithi hui audience mein hai. Fawad Khan jo hai wo stage pe hai, host kar rahe hai. And then he calls your name aur say, Dure Fishan, upar aa jao, mere saath gaana gaana hai. Gaayengi aur kaun sa gaana gaayengi? गाना तो नहीं मैं गाऊंगी कभी. नहीं फवाद खान को भी मना कर दूंगी. गाना तो मैं सबको मना कर दूंगी. आई कांट सिंग. डर रही है कि मैंने प्रोग्राम से पहले पूछा था गाने तो देखा मैं यहीं से मना कर दूं ताकि राबिया मुझे फंसाए नहीं. नहीं गाना तो मैं गा ही नहीं सकती. अच्छा तो वो तो मैं आई रादर नॉट मेक फन ऑफ माई सेल्फ. उबर हायर किया आपने और इकरा अजीज उसमें ऑलरेडी बैठी हुई आपके साथ. सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? व्हाट विल यू डू? आई विल प्रेज हर फॉर द अमेजिंग एक्ट्रेस शी इज. दैट्स ऑल आई विल डू फॉर दैट टाइम. ओके टेक सम एक्टिंग टिप्स. ये मुझे बताएं कि अभी आगे क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं?
There's a Hum TV project that is going to come by the first week of March, inshallah. And right now, currently, I'll be starting the shoot for a web series for Z5. It's directed by Haseeb Hassan. So we're going to start, inshallah, shooting that. Mm. And I'm playing a negative role in it. Oh, wow. So I'm really looking forward to it. Mm-hmm. That's quite interesting. Yeah, that is. Aati saath, you have a variety of roles, mil rahe hai, mashallah. Se. And Haseeb Hassan ke saath to... Haseeb sir, it has always been a dream to work with Haseeb sir. Mm. Like, from the beginning of my career, like I wanted to beginning abhi to hui hai, but ek saal pehle se hi mujhe tha. Maine unhi ke saath zarur kaam karna hai. Kyunki wo vision hi alag hai unka. Bahut se log struggle karte hain industry mein. Aapki to struggle hardly, I would say. You've been lucky, right? I won't say that I haven't struggled because I think everybody has a different sort of struggle or way of it. Mere liye kaam milne se zyada struggle फैमिली के बगैर रहने के लिए थी, यू नो, उनसे दूर रहना थी. तो कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं उनको अगर काम मिलने में टाइम लगता है तो ऑल्सो मेरे लिए, मुझे लगता है बिकॉज टू ईच देयर ओन, मेरे लिए स्ट्रगल थी चॉइस करना बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू डू लेस वर्क पर क्वालिटी वाला काम. तो वो क्वालिटी वाला काम शुरू में ढूंढना मेरे लिए स्ट्रगल थी, यू नो. Yeah. But alhamdulillah, I was blessed and I'll always be very, very thankful that mujhe wo wali struggle nahi karni padi jo logon ko karni padti hai. Kaam dhoondne ke liye. Work came and good work came and good people came. So, aapko kya lagta hai hamari industry mein looks matter karti hain? Aapko experience hua hai kuch aisa? Aapko kabhi lagta hai ki haan, mashallah, so you are so pretty. Abhi bhi hardly any makeup ke saath baithi hain. She's looking so pretty. Aur main pata nahi kya kya laga ke baithi hu. So, कभी लगता है ये भी एक एडवांटेज है आपको या ओवरऑल, बिकॉज अब तो आप इंडस्ट्री में हैं, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, करने को मिलता है, तो क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ना, आई रिमेंबर, एज आई टोल्ड, आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एज अ चाइल्ड. तो मैं 9th-10th में थी एंड आई वाज जस्ट वाइनिंग अबाउट समथिंग एंड आई वाज जस्ट, मे बी आई वाज प्रेजिंग माई सेल्फ फॉर समथिंग एंड माई खाला वाज सिटिंग देयर. सो आई वाज लाइक, ओह, आई विल गेट अवे विद दैट, आई एम प्रीटी. सो शी वाज लाइक, बट she snuffed me. She was like, darling, this is not something that you have done. You're born with it. Do something that you'll do. You know, तो वो चीज़ मेरा ख्याल है आज तक मेरे साथ रही है. तो मैं अपनी looks अपने आप को इतना seriously नहीं लेती. तो throughout this time, from day one, I started getting, oh, pretty face, pretty face. I always wanted to be known as an actor. आज भी मुझे ज़्यादा खुशी तब होती है जब लोग मुझे कहते हैं, ओ, वी लव योर वर्क इन दिल रुबाब बिकॉज़ यू एक्टेड विद, या वी लव व्हाट यू डूइंग इन भड़ा असरा. देन पीपल सेइंग, ओ, यू आर प्रीटी, यू आर नाइस, यू नो. आई थिंक दिस थिंग हैज़ नेवर टेकन, आई थिंक दिस थिंग नाउ इज टेकिंग अ टोल ऑन मी व्हेन people just talk about your looks. Ab ho raha hai, aapko feel ho raha hai, it does, because irritation ho rahi hai ki mera kaam bhi to itna acha nahi khali looks ke bare mein. But alhamdulillah, people talk about my work too. One of the reasons I did Dilruba Mehram was also because usme maine foundation bhi apne rang se kam lagayi thi, if you have noticed. Okay. Aur mera attire bhi bahut simple aur wo sab tha. Looking pretty on screen is not very difficult, no, good makeup, lights, you all look pretty. Yeah, but I think it's an actor within you that should but come aapko out. Industry mein ab jab hai to aapko lag raha hai looks help karti hain aage jaane mein, aapko lag raha, aapko ye feel ho raha hai? I feel I would be lying if I say ki aisa kuch nahi hai. I would be lying because I have seen girls, men around me with so much potential, but they don't match the beauty standards of our industry, sadly. So I think, but I think that is evolving. I think that is changing because I see amazing actresses, not your typical gori chitti lambi, but doing very well. So I think we're going ahead and it's changing. Dulfisha ka khwab kya hai, kya karna chahti hain, kahan dekhti hain apne aap ko 5 saal mein, 3 saal mein, 2 saal mein? What's your ultimate dream? Ultimate dream, I think, oof, I'll be wrong if I say my ultimate dream is to just keep eating and not gain weight. Okay. And keep like vacationing and all that, because I'm big on travel and everything. So I think getting a film or a drama with particular director or actors would never be an ultimate dream for me. Okay. You know, living a
common life as I'm living right now till now is what will always be a dream, and just doing those ultimate things like going on vacations or traveling the world. I really want to travel the entire world in 5-6 years. Let's see if I can do that. Entire world with the work to film. With the work. But I am somebody I can ditch work for. Oh wow, mashallah. Travel. अच्छा अभी तक जितना काम किया है आपने उसकी बेसिस पे अब जो नए स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं उसमें आप चूज करते हुए आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या सोच रही हैं? बिकॉज ये बड़ा क्रूशियल टाइम है आपका इस वक्त, राइट? द स्क्रिप्ट्स दैट यू विल चूज विल टेक यू डिटरमाइन कि आप किस डायरेक्शन में जा रही हैं. आई एग्री बट आई आल्सो क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, बढ़ास तक तो ठीक था, अब एक साल और भी आप शायद कुछ यू नो एक्सपेरिमेंटल डिसीजंस कर सकती हैं कि सोप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. फिर आई फील person with your talent needs to pick up scripts very. I think I have always been choosy from the start, be it picking up Dil Ruba as a debut or doing Bhadas as my second drama and first main lead. I always think I was choosy, you know. Mujhe aaj bhi lagta hai ki mere paas utni choice nahi hai kyunki as a new actor actress people are not. Production houses would always be a bit careful giving you those amazing projects which we think are amazing. But mujhe lagta hai mera dil aa gaya na script pe, wo script ek regular aam si script hogi, main jaan laga dungi is role mein, to it will came out nice. Okay. It will give us that impact ke oh it's a good thing. Aur abhi bhi na ab पहले मुझे होता था कि ओ द स्क्रिप्ट शुड बी सो फैंसी एंड यू नो द डायरेक्टर शुड बी ए क्लास. अब मुझे लगता है ये टीम एफर्ट है. True. मुझे लगता है एक अच्छी स्क्रिप्ट आप ले लेंगे और आपका डायरेक्टर और को एक्टर डायनामिक नहीं होगा या को एक्टर के साथ डायनामिक नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे. तो फॉर मी दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गेट अलॉन्ग विद माई डायरेक्टर एंड माई को स्टार्स रियली वेल. यू नो आई एम डूइंग whatever I'm doing or whatever people say the chemistry comes out nice, jo bhi mera ek do kaam aaya, do actors Furqan and Umar are the only people I've right now worked with and now Nabeel. So I think un dono ke saath meri different chemistry is liye because un dono ke saath meri dosti achhi hai, you know. Furqan ke saath bhi main web series bhi kar rahi hu. Okay. To I think wo aapka connection hona na ek actor ke saath bahut zaruri hai. When I think it comes on screen that you can't. Meera Khan se kya seekha aapne? मरीना जी तो इज एन इंस्टीट्यूशन ना, आप एक चीज नहीं सीख सकते और वो है वो आपको सिखाएंगी नहीं, वो आपको ये नहीं करेंगी बेटा ऐसे करो सीन. मतलब somebody of Mareena ji caliber coming to you and asking you should I say it like that, this is Mareena ji for you. Me a new actor, she's like मुझे ऐसे करना चाहिए, मैं ऐसे कर लूँ, एंड यू लाइक ओह मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ. तो Mareena ji is somebody like that, like she'll be a friend on set. Mareena ji se to I especially I see how natural she is with whatever she's doing. True. And she, again I've learned this from her, don't take yourself too seriously ever. So I think wo cheez maine rakh li apne paas unse. Furqan ke sath kaisa tha kaam karna? Furqan to bahut hi mazey ki cheez hai na on the set. Furqan is amazing. Furqan to is us studio mein aate to ek halla gulla shuru ho jata hai. Furqan is fun to work with in so many levels, but when me and Furqan are in a scene, the chemistry that we show is real chemistry because we're really good friends back off the camera. Okay. So Furqan ke saath, I still remember because he's somebody who's very quick with his dialogues. Like, ab wo padega, wo bol dega. Achha. No, he's that sort of a guy. So mere liye uske saath काम करना बड़ा उस टाइप का था. लेकिन हम उर्दू हम दोनों हम पैदल हैं उर्दू से ना, तो हम दोनों एक दूसरे को उर्दू करा रहे होते हैं. अदर हैड उमर की उर्दू बहुत अच्छी है. अच्छा. तो वो हमें उर्दू सिखा रहा होता है. ओके. एक्सेंट डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग. तो वो जुबाब के साथ भी तो आप जुबाब के साथ कुछ सीन्स थे मेरे सीन थे तो जुबाब वाज ग्रेट टू वर्क विद. ये सब इन सब ने इतना माशाल्लाह काम किया हुआ था कि इन सब से मैं सीखती थी, इन सब से इन सब ने मुझे हेल्प की है, इन सब ने मुझे बताया है. बीट बहरोज अंकल आई हैड सम वर्क विद हिम, वो बताते थे अच्छा ऐसे बोलो ऐसे बोलो. तो मुझे एग्जैक्टली अनदर इंस्टीट्यूशन टू लर्न फ्रॉम, यू नो, टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी. मुझे ये बताएं अब गोइंग फॉरवर्ड ये चैलेंज हो रहा है, बहुत से ड्रामे आते होंगे जो सोप टाइप हैं और बिकॉज स्क्रिप्ट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो इतने अच्छे स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है सबको, यू नो. तो कहाँ पे होता है कि अपने आप को टेम्प्ट होने से रोकूं और
you know, I'm sure you think facing she knows these challenges so well that main tempt hoti nahi hu. Beshak us time pe kuch aur nahi mil raha ho. I am fine. But you did say yes to Bharas. I did say yes to Bharas because I still feel Bharas is far more better than the content that we're seeing on screen right now. But us waqt aur acche scripts available nahi the isse bhi. No, acche ki baat nahi hai. To the choices that I had at that time. Yeah, usme Bharas was the best choice. Okay, exactly. Got. Yeah. And I still think I would never change or go back and say, oh, I should have done something else than Bharas. Because Bharas has nurtured me as an actor. And Bharas mein jo phases hain Zoya ke, mujhe nahi lagta mujhe wo ek character mein kahin aur play karne ko milte. To lekin hum thoda un kahaniyon se bahar nikalna cha rahe hain. Bahar nikalna chahenge. Do aur ek mar, do mar, ek kahani, phir wo shaadi toot gayi aur phir dusre ke saath aage, phir bhi ro rahe hain. But hum kab niklenge? हाँ तो वो आप नई जनरेशन आ रही है ना तो ये आप हमें अगर उस नई जनरेशन में से सिर्फ एक इंसान गॉट लकी एंड गॉट बिकॉज वी डू रियलाइज ना दैट नई जनरेशन जब आती है उससे दो तीन साल तो वो एक यू नो सपोर्टिंग कैटेगरी के रोल्स में ही फंसे रहते हैं सो व्हेन दैट एक्टर गेट्स अ चांस टू प्ले अ लीड in a good production house Six Sigma then that actor will say yes to say yes to it to Bharas and Bharas I still will emphasize on it that Bharas is not your typical drama because it's showing a woman with who strength. It's strong enough to say no to everything that is going to happen with her. She's strong still enough to up. Stand up for her. She's strong enough to let go of anything, be it love, be it anybody who is coming in way of her self-respect. Okay. So I still feel Zoya is a character that I will always be very, very proud to play. वी विश कि आपको ज़्यादा अच्छे बहुत अच्छे आपको स्क्रिप्ट मिले और वी गेट टू सी यू विद यू नो मज़े के कैरेक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेगेटिव कैरेक्टर दैट यू विल बी डूइंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू इट बट इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू फॉर हैविंग मी मज़ा आया थोड़ा आपके पीछे का जान के थोड़ा प्रेजेंट का जान के और थोड़ा फ्यूचर का जान के कि अभी भी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स एंड इट्स लवली meeting to see the new generation coming up and yeah for me you're not just a pretty face a very talented pretty face thank you that's very kind of you and, thank you so much Turifisha, thank you and we wish you all the best inshallah thank you